खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो कि बिहार के बक्सर जिला के अंतर्गत अंग्रेज कब्रिस्तान में भारी मात्रा में महंगी शराब की बोतलें नगरवासियों द्वारा देखे जाने की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि अंग्रेज कब्रिस्तान महज मॉडल थाना से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही है, फिर भी ऐसे वारदात हमेशा देखने को मिलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत नजर आती है। इसी क्रम में हम बक्सर के उच्च स्थान को दिखाते हैं, जहां से कुछ ही दूरी पर सरकार के सहयोगी कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राम जी का घर है, अर्थात आवास है। और ये देखिए शराब की बड़ी बड़ी बोतलें, और बड़ी बड़ी बोतलों के साथ महंगी महंगी बोतलें, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बातें हैं जिनकी जिम्मेदारी है शराब बंदी के इस अभियान को सफल बनाने की। उनके ही आवास के अगल बगल शराब का सेवन हो रहा है। सीमावर्ती जिला होने के कारण बक्सर में शराब की खरीद बिक्री यूपी से चोरी छिपे भारी मात्रा में होता है। मुख्यमंत्री साहब को लगता है कि वे शराब बंदी करके नैतिकता का बहुत बड़ा तीर चला दिए हैं, तो यह झूठा साबित हो रहा है और उनके वादे झूठे साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के बाद से शराब की खरीद बिक्री एवं इसके सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात बिहार को ड्राई प्रदेश घोषित कर दिया गया। राज्य के लोग शराब न पीने की शपथ लिए थे एवं मानव कतार का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, परंतु इसका असर बिहार में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जहरीली शराब पीकर लोगों के जान गंवाने की खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं। जहां तहां शराब की खाली बोतलें दिख जाती हैं, और यहां तक कि विधानमंडल के भवन के सामने ही शराब की बोतलें अपने मौजूदगी की गवाही देती हैं, जहां राज्य के प्रतिनिधि गण जुटते हैं। बिहार में शराबबंदी कितना सफल है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताएं।